हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम आपको बता रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और भी कितने लेवल होते हैं लैंग्वेजेस के। तो आइए जानते हैं कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं तथा उनके अनुप्रयोग के क्षेत्र, यानी सम हाई लेवल लैंग्वेज एंड देयर एप्लीकेशन एरियाज। तो हम आपको बताएंगे फॉर्ट्रेन के बारे में कि फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कि 1957 में इसका आविष्कार किया गया था और ये डेवलपर है प्रोग्रामर्स के एक समूह ने बिल प्रयोगशाला में इसकी विकास किया था। और गणित के क्षेत्र के लिए, विशेषकर कैलकुलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये कंपाइल्ड नेचर का होता है। तो हमने आपको फॉर्ट्रेन के बारे में बताया था कि फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, 1957 में इसका विकास किया गया था, प्रोग्रामर्स के एक समूह ने बेल प्रयोगशाला में विकसित की थी। गणित के क्षेत्र के लिए, विशेषकर कैलकुलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये कंपाइल नेचर का होता है। अब हम आपको अल्गोल के बारे में बताएंगे। अल्गोल लैंग्वेज, अल्गोल का फुल फॉर्म होता है अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसका आविष्कार 1958 ईस्वी में किया गया था। यूरोपियन तथा अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने सामूहिक रूप से विकसित किया था। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। इसका भी नेचर कंपाइल नेचर होता है। हम आपको लिस्प के बारे में बताएंगे। LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आविष्कार भी 1958 ईस्वी में किया गया था। इसके डेवलपर जॉन मकार्थी ने MIT इंस्टीट्यूट में विकसित किया था इसको। इसका उपयोग जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किया जाता है। इसका नीचे कंपाइल और इंटरप्रेटेड दोनों होता है। आपको कोबोल के बारे में बताएं। कोबोल लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका आविष्कार 1959 ईस्वी में किया गया था। इसके डेवलपर ग्रेस हूपर ने इसकी विकास किया था। बिजनेस उद्देश्य इसका पर्पस के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो बिजनेस उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका नेचर भी कंपाइल होता है। आपको बेसिक लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। इसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका आविष्कार 1964 ईस्वी में किया गया था और इसके डेवलपर जॉन जी केमनी और ई कुटेज ने डार्टमाउथ कॉलेज न्यू हैम्पशायर में विकसित किया था। इसका अनुप्रयोग कार्य जो होता है शिक्षण कार्य के लिए किया जाता है। इसका नेचर भी इंटरप्रेटेड होता है। फिर हम आपको बताएंगे पास्कल लैंग्वेज के बारे में। इसका आविष्कार 1970 में हुआ था। निकोलस वर्थ ने इसका विकास किया था और इसका अनुप्रयोग जो होता है शिक्षण के कार्य के लिए किया जाता है और इसका नेचर जो है भी कंपाइल्ड ही होता है। सी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। इसका आविष्कार 1972 में हुआ था। डेनिस रिची ने बेल प्रयोगशाला में विकसित की थी। इसका प्रयोग सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसका नेचर भी कंपाइल्ड होता है। C++ लैंग्वेज इसका आविष्कार 1983 में हुआ था। बाजार ने स्टोट्रम्स ने बेल प्रयोगशाला में विकसित की थी। सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका नेचर भी कंपाइल्ड होता है। फिर जावा लैंग्वेज के बारे में, इसका आविष्कार 1995 में हुआ था। जेम्स गोसलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम में विकसित किया था। इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका नेचर भी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थे हमारे कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में और उनके एप्लीकेशंस एरियाज के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूज़फुल और नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।